शायर कहता है कि सामने जब वो जात होती है, जलवे हक की बात होती है, सामने जब वो जात होती है, जलवे हक की बात होती है, ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है, ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत तो मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए कुछ देर के लिए इस पिंडाल में रूहानियत का एक माहौल पैदा करते हैं, रहमत और बरकत का एक माहौल पैदा करते हैं। और मैं सरजमीन फतेहपुर से तशरीफ लाने वाली शायरा, जिन्हें गजल और गीत और नज्म के हवाले से पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बेपनाह मोहब्बतों के साथ सुना और नवाजा जाता है, मैं उनसे गुजारिश करने जा रहा हूं कि आज की इस महफिल का आगाज बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत और मोहब्बत का आगाज मोहतरमा गुले सभा फतेहपुरी साहिबा यहाँ पर तशरीफ लाएं और नाते पाक से बरकतों वाला आगाज इस महफिल का फरमाएं। आप तमाम हाजरीन से गुजारिश करता हूँ, मोहतरमा गुले सभा फतेहपुरी साहिबा तशरीफ ला रही हैं, इनकी खूबसूरत आवाज की डोर पकड़कर बारगाह सैयदुल मुरसलीन में, बारगाह रहमत आलमीन में अकीदत और मोहब्बत की खिराज हम और आप पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि जब तक नाते पाक पढ़ी जाए तब तक आप सुभान अल्लाह और माशाल्लाह की सदाएं जरूर बुलंद करें और मोहब्बतों से नवाजें। मोहतरमा गुले सभा फतेहपुरी साहिबा माइक पर तशरीफ ला रही है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। नात पढ़ने के लिए हुक्म हुआ है और ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि नात पढ़ने की सादत मेरे हिस्से में आई। आपसे दरख्वास्त गुजारिश करना चाहती हूँ कि जब तक मैं नात पढ़ूँ आप सिर्फ सदा सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर सकते हैं, जब गजल का दौर होगा तो आप तालियां वहां बजाइएगा। एक मतलब जोरदार सुभान अल्लाह कह दीजिए ताकि मैं यहीं से नाते पाक पढ़ूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया नवाजिश हाजिर करती हूँ। मतला नाते पाक का मुलाजा फरमा। क्या कहूँ हश्र में तुम किधर ले चलो, 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 बस जिधर मुस्तफा हो उधर ले चलो। सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 वाह। उधर ले चलो, बस जिधर मुस्तफा हूँ उधर ले चलो। शेर भी हाजिर हाजिर कर तू मुलाजा फरमाए। बोले आका शबे हिजर सिद्दीक से, बोले आका, बोले आका शबे हिजर सिद्दीक से, बोले आका मुझको ए यार तैबा नगर, सुभान अल्लाह बाबा बाबा, नगर ले चलो, मुझको ए यार तैबा नगर ले चलो। ये शेर भी बतौर खास हाजिर कर तुम लाजा फरमाए। इरशाद। फतह करना है गर बदर की जंग को, फतह करना है गर बद्र की जंग, फतह करना है गर बद्र की जंग को, फतह करना है गर बद्र की जंग को, फतह करना है गर बद्र की जंग को, लेके अपना हथेली पे सर ले चलो। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह भाई वाह वाह वाह। सर
ये शेर भी आप सबके खूबसूरत समातों के हवाले कर तुम लाजा फरमाएं। कब्र में अपनी आराम फरमाओगे, 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 खुद को बस दीन की राह पर ले चलो। कहले सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह वाह, दीन की राह पर चलो। नाते पाक का आखिरी शेर हाजिर करती हूँ और मुझे आप सब की समातों पर यकीन है कि इंशाल्लाह इस शेर पर आप सब की भरपूर दुआएं मुझे नसीब होंगी। बस जिधर मुस्तफा हो उधर ले चलो, कल ये बच्चा शहनशाह कहलाएगा, 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 ऐ हलीम आई से अपने घर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वही वाह वाह वाह, ऐ हलीमा इसे चलो, ऐ हलीमा इसे अपने घर ले चलो। मकता भी आप सबके अदालत में हाजिर कर दूं मैं, अपनी बख्शिश की खातिर सुनो ऐ सबा, 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 हश्र में अपनी आँखों को तर ले चलो, हश्र में अपनी आँखों को तर ले चलो, क्या कहूँ हश्र में तुम किधर ले चलो, बस जिधर मुस्तफा हो उधर ले चलो।